एक्सरसाइज 2.2 माशाल्लाह से बहुत छोटी एक्सरसाइज है आपके सामने, चलती जा रही है बस। वैसे अपने अख्तिताम पर ही है, कुछ सवालात इसके रह गए हैं, इंशाल्लाह ये एक दो क्लासों के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, ए इज 2/3 द वे फ्रॉम वन कॉमा 10 टू -8.4 एंड बी इज 0, -7, -6, -11 फाइंड द डिस्टेंस ए बी बड़ा ही मजेदार सवाल है। इस सवाल में कितने पॉइंट्स की बात हो रही है? 4 पॉइंट्स की बात हो रही है। बच्चों 2 पॉइंट्स एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो मेरे पास शुरू के जो 2 पॉइंट्स हैं, एक है 1.10 और दूसरा पॉइंट है -8.4। 2 पॉइंट्स हो गए और बाकी के 2 पॉइंट्स है मेरे पास, एक है 0.-7 और एक है 6.-11। 4 पॉइंट्स है टोटल। 4 पॉइंट्स का मतलब है 2 पॉइंट्स मिलके एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं, तो 4 पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पे 2 लाइन सेगमेंट्स बनेंगी। सवाल में कहा जा रहा है, इस पहले पार्ट को छोड़ देते हैं, बी की बात करते हैं। बी क्या है सवाल में, क्या कहा जा रहा है बी क्या है? बी इज द मिड पॉइंट ऑफ 0.-7 एंड 6.-11। कह रहे हैं ये जो लाइन सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट है वो बी है, ठीक है? तो इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बी है। मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रहा हूं, इसको मैंने पी क्यू का नाम दे दिया, इसको आर एस का नाम दे दिया। सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं पॉइंट बी, क्योंकि बी के बारे में पता है कि बी जो है मिड पॉइंट है। टू फाइंड बी, लेट बी बी द मिड पॉइंट ऑफ आर 0.-7 एंड एस 6.-11। तो बी निकालना है, बी क्योंकि मिड पॉइंट है तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला
मिड पॉइंट फॉर्मूला एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू. हियर आर जो पॉइंट है हमारे पास जीरो कॉमा माइनस सेवन, ये पॉइंट एक्स वन वाई वन है. एस जो पॉइंट है हमारे पास सिक्स कॉमा माइनस इलेवन, ये एक्स टू और वाई टू है. बी पॉइंट चाहिए एक्स वन की जगह जीरो, एक्स टू की जगह सिक्स डिवाइडेड बाय टू कॉमा वाई वन की जगह माइनस सेवन, वाई टू की जगह माइनस इलेवन डिवाइडेड बाय टू. तो बी पॉइंट आ गया मेरे पास सिक्स कॉमा टू एंड माइनस एटीन अपॉन टू. पॉइंट बी इज इक्वल टू टू वन जै टू, टू थ्री जै सिक्स, टू वन जै टू, टू नाइन जै एटीन, थ्री कॉमा माइनस नाइन. पॉइंट बी आ गया बेटा. पॉइंट ए भी निकालना है ताकि हम ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस निकाल सके. अब पॉइंट ए क्या है इस बात को समझते हैं. सवाल में कहा हुआ है ए इज टू थर्ड वे फ्रॉम वन कॉमा टेन. कह रहे हैं वन कॉमा टेन की तरफ से आएंगे तो ए हमें कौन सी पोजीशन पर मिलेगा. ए हमें मिलेगा टू थर्ड पोजीशन पर. टू थर्ड का मतलब टू अपॉन थ्री पोजीशन पर. बेटा बात को समझिएगा. मिसाल के तौर पे आपके घर में आया एक पिज्जा और इस पिज्जा के आपके पास टोटल चार हिस्से. आपने कहा कि मुझे पिज्जा का वन फोर्थ पार्ट चाहिए. आपको वन फोर्थ पिज्जा चाहिए. वन फोर्थ पिज्जा का मतलब क्या है, टोटल चार हिस्से हैं उनमें से आपको एक हिस्सा चाहिए. मतलब वन फोर्थ का मतलब है ऊपर वाला नंबर हमें बता रहा है कि हमें कितने हिस्से चाहिए, नीचे वाला फोर हमें बता रहा है टोटल पीसेस. तो नीचे वाला नंबर हमेशा हमें टोटल पीसेस को बताता है और ऊपर वाला नंबर हमेशा रिक्वायर्ड वैल्यू को बताता है कि क्या चीज हमें चाहिए. लाइन के केस में भी ऐसा ही है. टू थर्ड का मतलब क्या है, अच्छा तो यहाँ पे कहा जा रहा था टू थर्ड का मतलब क्या है, टू अपॉन थ्री का मतलब है, थ्री का मतलब है लाइन के टोटल पीस कितने हैं. सही है, एक लाइन सेगमेंट है जिसको नाम दिया है पी क्यू का, इसके टोटल हैं तीन हिस्से. तीन हिस्सों में ब्रेक कर दिया, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा और तीसरा हिस्सा ये रहा. ऊपर वाला टू बता रहा है कि हमें कौन सा पार्ट चाहिए. ऊपर वाले टू का मतलब क्या है कि आप यहां से इनिशियल पॉइंट से चलते हुए आएंगे तो आपको वो पॉइंट चाहिए जो कि सेकंड पार्ट का लास्ट पॉइंट है. टू का मतलब है सेकंड पार्ट,
ये हो गया पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, सेकंड पार्ट कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो आपको ये पॉइंट चाहिए, बेसिकली ए जो है वो ये पॉइंट है, सही है। अब बच्चों ए जो है वो आपका मिड पॉइंट नहीं है, सवाल में नहीं कहा हुआ कि ए मिड पॉइंट है, सवाल में कहा हुआ है ए जो है टू थर्ड पोजीशन पर है, मतलब बेटा ए जो है वो एक डिवीजन पॉइंट है इस लाइन का, और डिवीजन पॉइंट को निकालने के लिए हमें एम वन एम टू चाहिए होता है। एम वन क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का फासला, मतलब ये डिस्टेंस कहलाता है एम वन। मैंने आपको बताया भी था कि जितने पार्ट्स यहां से यहां तक आएंगे एम वन की वैल्यू वही होगी। तो पी से लेके ए तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तो एम वन हो गया टू। ए से लेके क्यू तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, सिर्फ एक पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है एम टू क्या हो गया, वन। तो M1 आ गया 2 और M2 आ गया 1, तो इसका मतलब क्या है कि A ये पॉइंट है, और अगर मुझे A निकालना है तो मुझे M1 रखना होगा 2 और M2 रखना होगा 1। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया है, कोई मसला तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट में। जी बेटा मैं समझा देता हूँ अभी, एम वन एम टू दोबारा से, कोई मसला नहीं है। देखो एक लाइन सेगमेंट है जिसका इनिशियल पॉइंट पी है, फाइनल पॉइंट क्यू है, टू थर्ड का मतलब है नीचे वाला नंबर ये बता रहा है लाइन के टोटल कितने पीसेज हैं। तो लाइन कितने हिस्सों में टूटी हुई है, लाइन टोटल 3 हिस्सों में टूटी हुई है। आपको चाहिए पॉइंट ए, ए कहां पर है, ऊपर वाले टू का मतलब है सेकंड पार्ट जहां खत्म हो रहा है, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट यहां खत्म हो रहा है, सेकंड पार्ट जहां खत्म हो रहा है ये पॉइंट चाहिए। ये इनिशियल पॉइंट है, ये डिवीजन पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट पी है, डिवीजन पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का फासला कहलाता है एम वन। तो इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक कितने पार्ट आ रहे हैं, तो एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तो टोटल दो पार्ट है, तो एम वन हो जाएगा टू। A से लेके Q तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, तो A से लेके Q तक सिर्फ एक पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब है M2 हो जाएगा 1। तो M2 और M1 ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई यहां पर। ओके बेटा अच्छी बात है, समझ आ गया। अच्छा तो बात करेंगे अब हम ए निकालने की, टू फाइंड ए, लेट ए बी द पॉइंट which divide the join of P 1,10 and Q -8,4 in ratio 2:1। अब हमें पॉइंट ए अगर निकालना है तो डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, यूजिंग डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला। तो डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला हमसे कह रहा है कि एक्स कॉमा वाई बराबर है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू कॉमा वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू। P हमारे पास 1,10 है,
जो कि एक्स वन वाई वन है, क्यू हमारे पास माइनस एट कॉमा फोर है जो कि एक्स टू वाई टू है, एम वन रेशो एम टू की जो वैल्यू है हमारे पास वो टू रेशो वन है। तो पॉइंट ए हमें चाहिए, ए बराबर है एम वन की जगह आ जाएगा टू, एक्स टू की जगह आएगा माइनस एट प्लस एम टू की जगह वन, एक्स वन की जगह वन आ जाएगा डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू, एम वन की जगह टू, वाई टू की जगह फोर, एम टू की जगह वन, वाई वन की जगह टेन डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। इसको सॉल्व कर लेंगे, टू एट जा सिक्सटीन, वन वन जा वन डिवाइडेड बाय थ्री, टू फोर जा एट, टेन वन जा टेन डिवाइडेड बाय थ्री। तो बच्चों हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस फिफ्टीन अपॉन थ्री कॉमा एटीन अपॉन थ्री, तो ए आ जाएगा हमारे पास थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री सिक्स जा एटीन। तो हमारे पास ए आ जाएगा माइनस फाइव कॉमा सिक्स। नहीं बेटा, डिवीजन फॉर्मूला हमेशा यही लगेगा, मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला कब लगता है, जब सवाल में लिखा हुआ हो एक्सटर्नल। यहाँ सवाल में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे, हर जगह यही फॉर्मूला लगाना है डिवीजन। अरे मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया, सॉरी, अजीम आदमी हूँ मैं, मेंशन कर देता हूँ गलती से मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लिख दिया। तो ये डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला आपके पास इंटरनल डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला ही लगेगा हर जगह। ठीक है बच्चों, ए आ गया, बी आ गया। बेसिकली ए और बी निकाला क्यों हमने, ए और बी इसलिए निकाला ताकि हम ए बी डिस्टेंस निकाल सके, मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का हमें डिस्टेंस निकालना है असल में। तो ए पॉइंट हमारे पास ये मौजूद है, बी पॉइंट हमारे पास ये मौजूद है, दोनों के दरमियान का अब हमें डिस्टेंस निकालना है। बेटा इसको यहां तक कॉपी कर लें, फिर हम डिस्टेंस निकालते हैं इसका।
अब बेटा मैं बता रहा हूँ अभी इसको, अब्दुल्ला कर लिया कॉपी, चले मैं आगे चलता हूँ। रूट 17 ही इसका आंसर आएगा, जो बुक में लिखा हुआ है वो आंसर बिल्कुल सही है। मैं निकालता हूँ इसका आंसर। अच्छा तो टू फाइंड डिस्टेंस ए बी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यही डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास मतलब लग जाएगा। ए हमारे पास है -5.6, इसको x1 y1 कह देंगे। बी हमारे पास है 3.-9, तो x2 की जगह आ जाएगा 3, x1 की जगह आ जाएगा 5, प्लस y2 की जगह आ जाएगा -9, y1 की जगह आ जाएगा 6। तो डिस्टेंस ए भी हमारे पास आ जाएगा √8 का स्क्वायर -15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 289, √289, √289 को कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास 17 यूनिट्स आ जाएगा, हमारा ये आंसर कहलाएगा। तो कॉपी कर लो तो बता दो मुझे। ओके गुड। ए पहले निकाल सकते हैं जान बेटा, कोई मसला नहीं है, आपकी मर्जी। आप ए निकाल लो पहले फिर बी निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
कर लिया सब लोगों ने कॉपी, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। अच्छा तो बात कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? लाइन ए बी इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स। By P1, P2, P3, PR, PN-1. If A and B are x1, y1 and x2, y2. Respectively, find the coordinates of PR. अच्छा तो आपके पास एक लाइन सेगमेंट है जिसके टोटल n पार्ट्स हैं। तो एक लाइन सेगमेंट है जिसका इनिशियल पॉइंट a है, फाइनल पॉइंट b है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। कहा जा रहा है इस लाइन सेगमेंट के n पार्ट्स हैं और पार्ट्स किस तरीके से हैं, p1 है, p2 है, p3 है, p4 आ रहा होगा, p5, p6, p7, p8, कहां तक pr, फिर उसके बाद और बहुत सारे पार्ट्स आ रहे होंगे, कहां तक जा रहा है pn-1 तक। तो लाइन के पार्ट्स हैं, पहला है p1, दूसरा है p2, तीसरा है P3, उसके बाद आगे जाके कहीं पर है PR, और उसके बाद और आगे जाके कहीं पर है PN-1। अब बात को ये जरा समझिएगा कि एक लाइन सेगमेंट है मेरे पास और मुझसे कहा जा रहा है कि मुझे इसके जो पार्ट्स हैं इनमें से मुझे P1 के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो ये A इनिशियल पॉइंट है और P1 हो गया डिवीजन पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट से डिवीजन पॉइंट तक का फासला है M1। यहाँ पे M1 कितना हुआ, कितने पार्ट्स आ रहे हैं, एक पार्ट आ रहा है, तो M1 1 होगा। अगर मुझे P2 निकालना है तो P2 के लिए इनिशियल पॉइंट से P2 तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तो इसके लिए M1 क्या होगा, 2। सही है। बीच में अगर यहाँ पे P3 आ रहा है, अगर मैं P3 की बात करूं तो A से लेके P3 तक कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, तो M1 इसके लिए क्या होगा, 3। अगर मैं बात करूं PR की, तो ए से लेके पी आर तक एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, तीसरा पार्ट ये रहा, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, बीच में और बहुत सारे पार्ट्स हैं, फिर उसके बाद पी आर है। पता क्या चल रहा है, यहाँ पे नीचे 1 लिखा हुआ है तो M1 जो है वो 1 है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो M1 जो है वो 2 है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो M1 3 है, यहाँ पे R लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि M1 किसके बराबर होगा, R के बराबर होगा। मतलब A से लेके PR तक
कितने पार्ट्स होंगे? आर पार्ट्स होंगे, सही है? बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? बस आपने पी आर के लिए एम वन निकाल लिया, मतलब समझ लें ये सवाल तकरीबन सॉल्व हो गया। अब बहुत ही आसान काम करना है इसमें, अच्छा तो पी आर की बात करें तो यहां पे एम वन बराबर हो गया आर के। बेटा पी आर से फाइनल पॉइंट तक का फासला एम टू होता है, एम टू किसके बराबर होगा? बेटा जब आपके पास एम वन की वैल्यू वेरिएबल की फॉर्म में आ जाए तो M2 डायरेक्ट निकालना आसान नहीं होता, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, M1 प्लस M2 बराबर होता है टोटल पार्ट्स के। M1 की जगह आ गया R, M2 की जगह M2 रहेगा। टोटल पार्ट्स कितने हैं, कितने पार्ट्स हैं लाइन के टोटल? AB is divided into n equal parts, टोटल पार्ट्स है n, तो M2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी n माइनस आर, तो M2 आ जाएगा n माइनस आर। टू फाइंड पी आर वही डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, मेरे पास टाइम बहुत कम रह गया है तो इसलिए मैं फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रहा। A हमारे पास x1 y1 है वही रहेगा, B हमारे पास x2 y2 है, और M1 रेशो M2 बराबर है R रेशो N माइनस R। तो PR के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ जाएंगे M1 की जगह R X2 प्लस M2 की जगह N माइनस R X1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, कॉमा M1 की जगह R Y2, M2 की जगह N माइनस R Y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। N से N कैंसिल हो जाएगा और R से R कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो जाएगा और PR आ जाएगा R X2 प्लस N माइनस R X1 डिवाइडेड बाय N R Y2 प्लस n माइनस आर बाय वन डिवाइडेड बाय n। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कॉपी कर लें जल्दी से या स्क्रीनशॉट ले लें। नहीं बेटा मल्टीप्लाई कराने का कोई फायदा नहीं है, बुक में यही आंसर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कराने पे कोई कैंसिलेशन नहीं होगी तो इसलिए मल्टीप्लाई नहीं कराया हुआ इन्होंने।